धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना, धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर CCW सरायढेला में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सहियाओं ने सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को बधाइयां दी गई। वहीं कार्यशाला में सहियाओं ने राज्य सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि एक और जहाँ महिलाओं को सशक्त करने की बात और दावे किए जा रहे हैं, वहीं सहिया समाज की महिलाओं को न तो सुरक्षा प्रदान की जाती है और न ही उन्हें काम के एवज में मेहनताना मिल पाता है। ऐसे में वर्तमान में सहियाओं के मुख्य धारा से जुड़े होने के बावजूद अपनी सुरक्षा और आर्थिक कमाई के मामले में काफी पीछे है। कार्यशाला में बताया गया कि सहिया अपने क्षेत्र में 24 घंटे सेवारत है, किसी भी समय कॉल पर वह निकल जाती है, जबकि उनके पास पेपर वर्क भी अत्यधिक है, जिसके वजह से वह अपने ऊपर काफी दबाव महसूस कर रही है। परंतु इसके एवज में उन्हें महज 2,000 रुपए मासिक मानदेय देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात तो ठीक है, परंतु क्या वास्तव में महिला सशक्त हुई है? आज जरूरत है महिलाओं को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्त बनाने की। सरकार को इस पर उचित पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सहियाओं लोग ने आज कार्यशाला का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पर? सर, आज के दिन मैं यह आह्वान सरकार से करना चाहूंगी कि आज पूरे देश में महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए वास्तविक रूप से वैसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से आज के दिन ये आह्वान करती हूँ कि पूरे सहियाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए एक महिला के नाते, वो सम्मान उनको दिलाए और हम अपने हक की लड़ाई के लिए जो भी करना होगा उसके लिए कदम उठाएंगे। कितने लोग पहुँचे अभी तक यहाँ तक? आज हमारे यहाँ लगभग 500 करीब महिलाएं पहुँचने वाली है पूरे सहिया। और इसी दिन हम लोग इसलिए चुने कि महिला के एक तरफ सरकार सुना रही है कि बहुत सारे महिला को सबको साधन दिए हैं, ये है महिला का शोषण नहीं होना चाहिए, और ये क्या है हम सहियाओं के साथ 2,000 के मानदेय में हम लोग को पूरा दिन खटाया जा रहा है। सभी से लगातार कुछ पेपर वर्क इतना किया जाता है, 100-150 का पेपर वर्क करते हैं तो हम लोग 2,000 की मानदेय मिलती है। तो ये सभी चीज़ों पर रोक लगाया जाए और हमें निश्चित जो हमें मिलना चाहिए मानदेय वो देने का सरकार से आग्रह करते हैं। सुरक्षा के लिए क्या मांग करेंगे सरकार से? जैसे कि हम रात हो दिन हो सभी समय हर 24 घंटा हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के रूप में हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। आज कोई भी चीज घटना हमारे साथ होती है उसका जिम्मेवार मैं खुद ही समझी जाती हूँ, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि आप अपने आप को देख के काम करो, लेकिन मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जब हम रात में ना निकलो। हमें रात के 12 हो, 1 हो, जब भी हो समय हमको कॉल आना है और हमें वहाँ उस समय निकलना है, उस रिप से हमें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से। क्या नाम है आपका? मैं रेखा भट्ट, झड़िया की सैया।